मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हेयर ग्रोथ यदि सर पर हो तो बहुत ही अच्छे लगता है, लेकिन यही ग्रोथ हमारे अपर लिप्स, कानों के आसपास दिखाई देने लगे तो ये हमारी खूबसूरती को एकदम डाउन सा कर देती है। वैसे तो फ्रेंड्स मार्केट में पार्लर में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स पाउडर्स तरह तरह के आजकल जो मार्केट में आने लगे हैं, ये आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट भी छोड़ जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी जिसको आप यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आप अपने अनवांटेड हेयर से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये घरेलू नुस्खा, आज की ये होम रेमेडी आपकी स्किन पर किसी तरीके का डैमेज भी नहीं छोड़ेगी, आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगी, जितनी भी टैनिंग है, धूल मिट्टी गंदगी आपकी स्किन पर जमा हो गया उसको भी डीपली क्लीन करके स्किन को काफी ज्यादा ब्राइटन अप करने वाली है। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल मचाने वाला है, साथ ही उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपने फेशियल हेयर से बहुत ज्यादा परेशान है। सो फ्रेंड्स पूरी प्रोसेस को एंड तक जरूर देखेगा तभी आप इसे अच्छे बेनिफिट्स ले सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल एंड यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और वीडियोस देखने के लिए चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बिना देरी करते चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले लिया है क्लीन बाउल, उसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। यहाँ मैं मार्केट वाले जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यदि आपके पास प्लांट वाला जेल है तो उसका भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स इसमें हम जितनी मात्रा में एलोवेरा जेल लिया है उतना ही मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी स्किन को इतना अच्छा हाइड्रेशन देती है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, स्किन की जितनी भी डलनेस ड्राइनेस से उसे दूर करती है। साथ में फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, तो यहां मैंने 4 ड्रॉप्स के करीब जो है नींबू के रस की इसमें ऐड कर दिया है। ये भरपूर मात्रा में इसमें फ्रेंड्स विटामिन सी पाया जाता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अनवांटेड हेयर की रूट्स को भी वीक करती है, चेहरे के दाग धब्बों को भी लाइटन अप करती है। साथ में फ्रेंड्स आज की रेमेडी का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है चारकोल पाउडर, तो यहां मैंने 1/2 चम्मच के करीब चारकोल पाउडर जो है इसमें ऐड कर दिया। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, चेहरे पर से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उन्हें रिमूव करता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर लेंगे तो आपके अनवांटेड हेयर हो चेहरे के या फिर आपके चेहरे के दाग धब्बे पिगमेंटेशन के मार्क्स वगैरह हो, दोनों चीज़ों पर ये रेमेडी जो है आज की बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देती है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करते हुए आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर पाउडर यानी कि चीनी, पिसी हुई चीनी का पाउडर, ठीक है। इसकी स्टिकी पना होने के कारण आपका अनवांटेड हेयर बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, तो चारकोल पाउडर में इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आपके जैसा कि फ्रेंड्स अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और ऐसे में हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो इस तरीके की झटपट बनी रेमेडी आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन पर किसी तरीके का ये साइड इफेक्ट भी नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चारकोल पाउडर जब मिक्स कर लिया उसके बाद इसमें एक मटर के दाने की जितना मैंने इसमें ऐड किया है वाइट कोलगेट टूथपेस्ट। इसमें फ्रेंड्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने के साथ साथ ही हमारी अनवांटेड हेयर की रूट्स को भी वीक करता है, बाल को इतना ज़्यादा कमजोर बना देता है कि बहुत ही आसानी से जिसकी वजह से हेयर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है जो कि चेहरे पर होने वाली टैनिंग को भी दूर करता है, तो मल्टीपल तरीके से आपको ये रिजल्ट देता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी चीजें मैंने आपस में अच्छे से मिक्स कर ली हैं। सो आप इस रेमेडी को फ्रेंड्स उतना ही बनाइएगा जितना आपको यूज करना है, इसे बनाकर आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। वैसे भी इस रेमेडी को बनाने में आपका ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फैट लेंगे, यहां मैंने सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही बनाकर इस रेमेडी को तैयार किया है, जितना कि मैं आपको दिखा पाऊं कि हेयर कैसे इससे आपको रिमूव करने हैं। तो आप देख सकते हैं रेमेडी बनकर तैयार होगी, स्किन पर कैसे अप्लाई करें आइए ये भी देख लेते हैं, जिससे कि टैनिंग वगैरह भी रिमूव हो जाए एंड हैंड टू हैंड आपके अनवांटेड हेयर भी गायब हो जाए। तो फ्रेंड्स यहां मेरे हाथ के पे ये जो हल्की फुल्की हेयर ग्रोथ है उसे मैं आपको रिमूव करके दिखाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स जब आप इससे अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने जाएंगे तो उससे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। वैसे तो मेरा हैंड जो है फ्रेंड्स एकदम क्लीन है, लेकिन रोज वाटर की हेल्प से मैं एक बार और इसे वाइप ऑफ कर लूंगी जिससे कि ये डीपली क्लीन और हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस
रेमेडी को आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, इस रेमेडी को आप अपनी स्किन पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे एक थिक लेयर के साथ, जहां के आपको अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं। यदि आप इसे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद पूरे चेहरे पर आप एक थिक लेयर के साथ अप्लाई कर लेंगे। या फिर आप अपने चेहरे की सिर्फ अनवांटेड हेयर रिमूव करना चाहते हैं अपर लिप्स वाले एरिया पर या फिर कानों के आसपास के एरिया पर, तो वहां पर भी इसे सिर्फ लगाकर आप थिक लेयर के साथ छोड़ देंगे। इस रेमेडी को आप स्किन पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अपने अच्छे से आपकी स्किन पर रिजल्ट दे सके। फ्रेंड्स, आप बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि आपके हाथ पर तो हेयर ग्रोथ है ही नहीं। फ्रेंड्स, इस तरीके की रेमेडीज मैं ट्राई करती रहती हूँ तो जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गई है, एंड जो भी हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, तो बहुत ही आसानी से वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके की रेमेडीज यदि आप भी कंटिन्यू रखते हैं तो आपके अनवांटेड हेयर बहुत आसानी से रिमूव भी होंगे, जल्दी हेयर ग्रोथ भी नहीं आएगी, और जो आएगी भी वो भी जल्दी से इस तरीके की रेमेडी से आपकी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ 5-7 मिनट मुझे इस रेमेडी को लगे स्किन पर छोड़े हो गया है। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे हल्के से प्रेशर देते हुए किसी भी कॉटन वाइप से, तो आप देखेंगे कि आपके अनवांटेड हेयर इस रेमेडी के थ्रू निकल के बाहर आ जाएंगे। जितनी टैनिंग गंदगी स्किन पर है वो भी रिमूव हो जाएगी। स्किन को डीपली क्लीन करने के साथ साथ ही आपके अनवांटेड हेयर को भी बहुत ही आसानी से रिमूव करता है। तो ट्राई एंड टेस्टेड फार्मूला है फ्रेंड्स, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इन तरीके की रेमेडी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तभी मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करती हूँ ताकि आप इसे बेनिफिट्स ले सकें। तो यहाँ मैंने अपनी स्किन पर से सारी रेमेडी को रिमूव कर दिया है, अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो गए हैं। उसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से। तो यहाँ मैंने वेट हैंकी की हेल्प से स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना फ्रेंड्स आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मॉइस्चराइज करने के लिए यह मैं एलोवेरा जेल प्लस कोकोनट ऑयल की बराबर मात्रा में लेके अपने हाथ पर मिक्स करके इस तरीके से मसाज करूंगी, जिससे हमारे पोर्स को टाइटन अप भी करेगा, अनवांटेड हेयर की दोबारा हेयर ग्रोथ ना बने उसको भी ये कंट्रोल करता है, स्किन पर बहुत अच्छा सा हाइड्रेशन देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंड स्किन पर होने वाली टैनिंग कालापन उसको भी ये कंट्रोल करता है। यदि आपकी स्किन पर दाग धब्बे हो गए तो उसे भी लाइटन अप करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग ग्लोइंग रिजोनेट करता है। तो इस तरीके से आप स्किन केयर करेंगे तो आपका अनवांटेड हेयर तो रिमूव होगा ही, आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, टैनिंग भी दूर होगी। सो फ्रेंड्स, मुझे तो इस रेमेडी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। यदि आप भी अपनी स्किन की टैनिंग को रिमूव करना चाहते हैं, अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का ये नुस्खा आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो देखते ही इसे जरूर ट्राई करिएगा, रिजल्ट कैसे मिले हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड साथ ही वीडियो पसंद आया, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके के वीडियो देखना यदि आप पसंद करते हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड आप मेरी वीडियो वॉच कर सके। सो फ्रेंड्स, मैं विभा इस वीडियो को अब यही करने जा रहे हूं। एंड जल्दी मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।